Hello everyone, myself Nilesh Vaf from Learning Electronics powered by Electro Subsystem Pune. So, चलिए दोस्तों मैं आपके लिए और एक अभी नया वीडियो लाया हूँ. ये जो वीडियो है बेसिक ऑटोमेशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. What are those basic automations? बेसिक ऑटोमेशन क्या होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे ऑटोमेशन. अभी आप तो बहुत बड़े पीएलसी ऑटोमेशन की बात कर रहे हो सब लोग. हाँ, पीएलसी ऑटोमेशन करवाना है सबको. बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आपको बड़े बड़े मशीन ऑटोमाइज करवाना चाह रहे हो. अरे उससे पहले एक छोटा ऑटोमेशन तो कर लो. एक छोटा ऑटोमेशन, एक छोटा बेसिक ऑटोमेशन के बारे में आपसे बात करवा रहा हूँ. एक सेंसर है. अगर ये सेंसर मुझे सेंस करवाता है, ओके, ये मेरे डोर में मैंने सेंसर लगा दिया एंट्री में, और जैसे ही ये मेरे को सेंस कर लेगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे घर में का लैंप्स ऑफ फिट्स होना चाहिए, लैंप ऑन होना चाहिए, ट्यूबलाइट्स ऑन होना चाहिए, फैन ऑन होना चाहिए, या कोई मोटर्स वगैरह जो भी चीजें ऐसे मुझे ऑन करना है. तो बेसिक्स में मुझे एक काम करवाना है. समझो अभी छोटा सा ऑटोमेशन में करवाना चाहता हूँ कि ये जो है ये सेंसर्स अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसको एक्चुअली 5 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले सेंसर्स होते हैं. इसको यहाँ पे VCC दिया होता है, बीच में इसको एक्चुअली आपको आउटपुट मिलता है और इधर ग्राउंड दिया होता है. सो VCC आउटपुट और ग्राउंड ऐसे सेंसर होते हैं. आप इसको 5 वोल्ट का सप्लाई कर दे दोगे तो ये ऑपरेट होना शुरू कर देगा और ये आपको यहाँ पे 5 वोल्ट दे देगा जब भी आप यहाँ पे प्रेजेंस हो जाओगे. ओके, ये जो सेंसर्स है ये सेंसर्स PIR टाइप के सेंसर है दोस्तों. PIR सेंसर्स होते हैं, PIR डोम बोलते हैं इनको. ये आपको यानी पर्सन को सेंस कर लेगा. यहाँ पे अगर पर्सन आ गया तो सेंस कर लेगा और इसका आउटपुट हाई हो जाएगा. इससे फिर आपको आपका लैंप लगाना है घर में का. ये आपके घर में का लैंप है, इसे कैसे ऑपरेट करोगे दोस्तों? अभी आपका सेंसर आपको 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है लेकिन ये तो 5 वोल्ट पे चलने वाला नहीं है. ये जो लैंप है ये 230 वोल्ट पे चलता है. कितने वोल्ट पे चलता है? 230 वोल्ट पे. सो हाउ टू ऑपरेट योर 230 वोल्ट एप्लीकेशंस यूजिंग अ 5 वोल्ट टाइप ऑफ सेंसर्स, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटोमेशंस. आपको ऑटोमेशंस में बेसिक ऑटोमेशंस में ये पता होना जरूरी है कि ये जो सेंसर है ये तो 5 वोल्ट देगा लेकिन मुझे 230 का लैंप ऑपरेट करना है. मुझे ऐसे 230 के और बहुत सारी चीजें ऑपरेट करनी है. फैन ऑपरेट करना है, कैसे हो पाएगा? क्या बोल, कैसे हो पाएगा? ओके, आप कह रहे हो कि मैं इसका जो सिग्नल है ये इसको एम्पलीफाई कर लूं और फिर ये 230 का मैं मेरा ऑपरेट कर लेता हूँ, ऐसा आपका कहना है? ओके दोस्तों, ठीक है, आपके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये जो ये तो DC है, इसको तो आप AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्वर्टर लगेगा, देन वो इन्वर्टर्स आपको 5 वोल्ट DC का 5 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा, फिर 5 वोल्ट DC का 5 वोल्ट AC में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उसको एम्पलीफाई कर लोगे ट्रांसफार्मर के माध्यम से. ट्रांसफार्मर आपको उसको जो भी आप उसको इनपुट दोगे 5 वोल्ट AC का तो आपको उधर दे देगा एक्चुअली स्टेप अप करके 230, फिर ये लैंप लगा दोगे. ऐसा सोच रहे हो? बहुत गलत सोचे दोस्तों. ऑटोमेशन बेसिक ऑटोमेशन में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इन्वर्टर डिजाइन करना पड़ेगा. अगर ये लैंप 40 वैट का अगर ये लैंप होता है तो 40 वैट का आपको इन्वर्टर डिजाइन करना पड़ेगा. उसके लिए आपका बहुत सारा कॉस्टिंग चला जाएगा और आपका सिंपल सा ऑटोमेशन लोगों को 3 या 4 हजार में बेचना पड़ेगा आपको. क्या लोग इसे परचेस कर पाएंगे? नहीं. तो इसके लिए दोस्तों आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं होता. तो बेसिक ऑटोमेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है रिले. सो नाउ दिस वन इज अ रिले. ये मेरे तरफ रिले है दोस्तों. ये रिले के माध्यम से आप आपका ये ऑटोमेशन कंप्लीट कर सकते हो. जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सही कह रहा हूँ, यही है वो रिले. और ये रिले आपको आपका ऑटोमेशन कंप्लीट कर देगा. कैसा ऑटोमेशन कंप्लीट कर देगा, कैसा हो सकता है, बने रहे मेरे वीडियो में. ये वीडियो में आगे मैं आपको सब बताने वाला हूँ, उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ. आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो आसानी से. ये रिले आपको मार्केट में मिल जाएगा. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले. ओके, सो व्हाट इज दिस रिले? रिले मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच की अगर आप सही से वायरिंग करते हैं तो आप ये सेंसर के माध्यम से इसको ट्रिगर करके आपका लैंप चला सकते हो. क्लियर नाउ? ओके, सो चलो देखते हैं रिले के बारे में कि रिले होता क्या है. सो मैंने आपको बता दिया कि रिले इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच. रिले मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच. सो ये रिले में क्या होता है दोस्तों, एक कॉइल होता है. ओके, ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है. जब आप इसको सप्लाई दे दोगे तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. व्हाट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस अगर मैं कोई भी कंडक्टर में से, सपोज नाउ दिस वन इज माय ओन कंडक्टर. ओके, ये कंडक्टर में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो इसके आजू बाजू में क्या डेवलप हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा. ओके, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है आपको फिर आपके ऑटोमेशन जो है उसमें जो लगने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो बनते हैं. व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर्स, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी और करंट एनी करंट कैरिंग
conductor, so that time the magnetic flux will be generated on that conductor, that's called as a electromagnet. It's mean that now the magnetic effect of electric currents, magnetic effects of electric current means electromagnets. जो भी आपके इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके, सो नाउ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इसमें यूज किया होता है दोस्तों. ये रिले है आप जो देख रहे हो, ये रिले में यहाँ पे अंदर जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यूज किया हुआ है. ओके, ये कॉइल को जब आप एक्चुअली सप्लाई दे दोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, और इधर जो दिए हुए है इसमें अंदर एनओएनसी दिए हुए है, उसके माध्यम से आपका इजिली ऑटोमेशन कर सकते हो. मैं अभी इसको आपके सामने खोलना चाहता हूँ और इसका थोड़ा सा सर्किट भी देख लेते, साइड में सर्किट भी देख लेंगे कैसा है क्या है, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा. कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इजीली इसको खोल सकते हो. एक्चुअली ये जो होता है ये भी ट्रांसपेरेंट रिले मेरे सामने, मैं इसके अंदर का तो सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अभी इसकी जो पट्टी होती है इसको एक छोटा सा स्ट्रिप बोलते हैं, ये स्ट्रिप आप माउंट करने के लिए होता है. रिले आप कहीं पर भी माउंट कर सकते हो, बोर्ड पर वगैरह इसके लिए दी होती है. इसको निकाल लेना, साइड में रख लेना. देखो मैंने भी आपका रिले ओपन कर दिया. ओके, सो कोई भी दोस्तों कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी तरह से समझना है तो कट व्यू आपको देखना होता है. कट व्यू यानी उसको अंदर से खोल के देखना होता है, तब आपको उसमें अच्छा समझ में आने लग जाता है. सो ये जो है देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस वन इज माई, ये जो आप देख रहे हो, सो दिस वन इज माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल. रिले में की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, और ये कॉइल के जो भी जो टर्मिनल्स है, दो टर्मिनल्स, यहाँ से एक टर्मिनल्स निकला हुआ है, यहाँ से एक टर्मिनल्स निकला हुआ है. ये टर्मिनल्स को अगर मैं मेरा 12 होल्ड, ये 12 होल्ड डीसी की कॉइल है, इसको 12 होल्ड डीसी की कॉइल है, वैसे 5 होल्ड डीसी की भी कॉइल मार्केट में उपलब्ध है. अगर मैं इसको मेरा 12 होल्ड डीसी देता हूँ या 5 होल्ड डीसी इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगी. सो इसमें बाकी के जो टर्मिनल्स होते हैं ये पोटेंशियल फ्री टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों. ओके, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. पहले तो थोड़ा सा डायग्राम से मैं भी समझ लेते हैं, बाद में इसमें भी थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे. देखो अभी यहाँ पे जो आप दिख रहा है इधर, दिस वन इज अ कॉइल, दिस वन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के साथ में ये जो साइड में दिए हुए ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट ऑफ रिले, इसे पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट बोलते हैं. क्या होता है पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट? अभी मुझे शब्दों का अर्थ समझना चाहिए दोस्तों, शब्दों का अर्थ जब मुझे समझेगा तभी तो मैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और उसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिकल लाइफ, अभी सब प्रैक्टिकल लाइफ हो चुका है. आपको जो भी करवाना है, अभी आप मार्केट्स में अगर जाते हैं तो आपको अगर रिले का ऑटोमेशन नहीं आता है तो आपको कोई नहीं जॉब देगा, कोई नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि आपको बेसिक ऑटोमेशन आना चाहिए. सो बेसिक ऑटोमेशन में आपको बता रहा हूँ, ये रिले कॉइल है, रिले कॉइल के साथ में जो दिए हुए ये जो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहे हैं ये तीन, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट ऑफ रिले. पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट मीन्स ये पोटेंशियल फ्री है, आप इसको कितना भी वोल्टेज दे सकते हो, आप मनचाहा वोल्टेज लगा सकते हो, 5 वोल्ट लगा सकते हो, 10 वोल्ट लगा सकते हो, 15 वोल्ट, अरे यार इजीली लगा लो कोई दिक्कत नहीं, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट भी इजीली लगा लो कोई भी दिक्कत नहीं, 230 वोल्ट भी आप उसको लगा ही सकते हो, एसी भी लगा सकते हो, डीसी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये है ही पोटेंशियल फ्री, इसका नाम ही पोटेंशियल फ्री बताया हुआ है. हाँ, लेकिन ये जो कॉइल आपको दिख रही है कॉइल पोटेंशियल फ्री नहीं दोस्तों, कॉइल का स्पेसिफिक वोल्टेज है, जिस किसको स्पेसिफिक वोल्टेज दिया होता है वो होता है स्पेसिफिक वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला डिवाइस, और पोटेंशियल फ्री यानी उसमें कोई आपका स्पेसिफिक वोल्टेज ही नहीं दिया हुआ है, इसमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज दिया हुआ है. कॉइल को देखो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने कॉइल में आपको बताया कि इस कॉइल में आपको 12 होल्ड डीसी दिया तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाएगी, 2 होल्ड डीसी दिया तो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट होने वाली है क्या? नहीं, वो मैग्नेटाइज नहीं होगी. ओके, उसको 12 होल्ड डीसी देना पड़ेगा. वैसे 6 होल्ड डीसी के भी कॉइल जो है मार्केट्स में उपलब्ध है, 5 होल्ड डीसी के भी रिले कॉइल्स मार्केट्स में उपलब्ध है, आप उसके माध्यम से भी आप ऑटोमेशन करवा सकते हो. और ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट में होता है दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, आप इसको कितना भी होल्ड दे सकते हो, 1 होल्ड दे सकते हो, 2 होल्ड दे सकते हो, 250 दे सकते हो, 300 दे सकते हो, आपको भी 220 वोल्ट देके आपको ऑपरेशन कर सकते हो, आपको 230 वोल्ट का लैंप से ऑपरेट करवाना है इजीली आप इसके ऑपरेट करवा सकते हो. ओके, सो इसमें भी होता है दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हो इसमें जो कॉइल है, देन ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है. पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हमें समझ लेना पड़ेगा, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट में जो बीच में का जो स्ट्रिप दिख रहा है उसको बोलते हैं कॉमन, जिसको नहीं तो कॉमन, वो जो ऊपर का जो आपको दिख रहा है इसमें. ओके, ये इधर का साइड्स वाला, तो ये जो ये येनो कॉन्टैक्ट है, इधर का जो दिख रहा है ये आपको एनसी दिख रहा है. सो येनो जो है, येनो मीन्स नॉर्मली ओपन, यानी ये जो कॉमन है दोस्तों, अभी समझो दिस वन इज माय कॉमन, अभी ये जो मेरा कॉमन स्ट्रिप्स इसके साथ में जुड़ा हुआ है इसको एनसी बोलते हैं, इधर का जो है इसको येनो बोलते हैं, दिस वन इज माय येनो, दिस वन इज माय एनसी.
एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज, ये समझो मेरा क्लोज फ्रेंड है तो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, और ये दूसरा फ्रेंड है थोड़ा मेरे से दूर है। देखो सो जब भी मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई दे दूंगा तो ये कॉमन उधर अट्रैक्ट हो जाएगी और इसके साथ में जुड़ जाएगी, सो इसमें और इसमें कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ओके वैसे हिसाब से यहाँ पे भी होता है दोस्तों, ये कॉइल अगर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई दे दिया सो ऑटोमेटिकली आपका कॉमन स्ट्रिप्स ये अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। इसमें आप बोलोगे कि फिर जैसा कॉमन शिफ्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ वैसा एनओ भी शिफ्ट होगा क्या, या वैसा एनसी भी शिफ्ट होगा क्या? नहीं दोस्तों, एक्चुअली ये जो होते हैं ये एनसी और एनओ ये फिक्स होते हैं, ये हिलते नहीं है और सिर्फ आपका कॉमन मूवेबल होता है, कॉमन ही मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है। क्यों आकर्षित होता है कॉमन मैग्नेट की तरफ, क्या है उसमें? वो एक समझ के चलो कि आपका लोहे का स्ट्रिप है, ओके आयन का पीस है, आयन पीसेस तो इजिली अट्रैक्ट हो जाएगा ना आपके वाले मैग्नेट की तरफ। ओके सो इसमें ये बीच का जो स्ट्रिप दिया होता है ये एक्चुअली आयंस का होता है, आप समझ के चलो, तो वो ऑटोमेटिकली उधर ऑपरेट हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी इजी नाउ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा भी कॉइल है, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट दिखा दिया, तो ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट के तीन वायर्स ऐसे निकले हुए रिले में से बाहर, ओके कॉइल में के दो वायर्स, पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट में के ये तीन वायर्स, इसमें जो बीच में का जो देख रहे हो आप, सो ये बीच में का आपका होता है एक्चुअली कॉमन स्ट्रिप ऑफ रिले। अभी ये कॉमन स्ट्रिप ऑफ रिले किसके साथ में जुड़ा हुआ है? इसके साथ में जुड़ा हुआ, ये कॉमन दिखा रहा हूं आपको, कॉमन इसके साथ में जुड़ा, ये एनसी हो गया। देखो एनसी भी मुझे इजीली डिटेक्ट करते आया, ये कॉमन स्ट्रिप जो है ये कॉमन स्ट्रिप इसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एनओ, कॉमन स्ट्रिप जिसके साथ में जुड़ा हुआ है हो गया एनसी, जिसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है वो हो गया एनओ, और कॉमन को यहां से नहीं बाहर निकालते आएगा, इसके लिए कॉमन को यहां से शोल्डर्स करके एक वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ये होगा मेरा कॉमन। सो कॉमन स्ट्रिप इज ऑल्सो देयर नाउ, क्योंकि कॉमन को आप वन होल्ड दे रहे हो, सो कॉमन जुड़ा हुआ है एनसी के साथ में, सो दैट्स व्हाई वो डायरेक्टली आपका वन वोल्ट वहां पे आ जाएगा। ओके अगर मैंने इधर एक स्विच दिया हुआ है, समझो अभी कॉइल को मैं ऑपरेट करता हूं, कॉइल को मैंने भी ये देखो ये आपका पूरा डायग्राम है, दिस वन इज योर कॉइल, देन नाउ दिस वन इज योर कॉमन एनओ एनसी। ओके अभी कॉइल को अगर मैं सप्लाई नहीं दिया हूं तो मेरा कॉमन स्ट्रिप जो है कॉमन स्ट्रिप एनसी के साथ में जुड़ा रहेगा, कॉमन स्ट्रिप एनसी के साथ में जुड़ने की वजह से कॉमन स्ट्रिप में जो दे रहे हो आप, एक वोल्ट दे रहे हो तो एक वोल्ट आपका उधर रहेगा, पांच वोल्ट दे रहे हो तो पांच वोल्ट आपका उधर रहेगा, 230 वोल्ट दे रहे हो तो 230 वोल्ट उधर रहेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल फ्री है। ओके दिस इज द पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट, यहाँ पे अभी मैंने वन वोल्ट दिया तो वन वोल्ट मेरा एनसी में आ रहा है। ओके लेकिन मैं जैसे ही कॉइल को सप्लाई दे दूंगा तो कॉमन अट्रैक्ट हो जाएगा एनओ के तरफ और एनओ के साथ में जुड़ जाएगा, जैसे मैं कॉइल को सप्लाई दूंगा तो ये जो कॉमन था इधर एनसी को टच हुआ वो एनओ के तरफ अट्रैक्ट होकर एनओ स्ट्रिप्स को टच हो जाएगा, तो कॉमन में आपने जितना वोल्टेज लगाया है वो एनओ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो भी स्विचिंग हुआ, स्विचिंग किसके माध्यम से हुआ? दिस वन इज स्विचिंग, क्योंकि अभी ये दोनों स्ट्रिप एक मेक के साथ में जुड़े हुए नहीं थे, अभी जुड़ गए, किसके वजह से जुड़े? इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जुड़े, इसके लिए रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बोलते हैं दोस्तों। जी हाँ, रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बोलते हैं बिकॉज ऑफ द स्विचिंग इन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो दैट्स व्हाई द रिले इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ओके इस तरह से हम और आगे आगे देखना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको और आगे का बात करना चाहता हूँ आपसे। तो अभी बात है आपका वाला सेंसर के हिसाब से, अभी आपको करवाना है आपका लैंप्स ऑपरेट, तो इजी है, अभी आपका जो सेंसर है ये सेंसर्स को आपका जो पांच वोल्ट आने वाला है वो आप इसको लगा दो, आपके पांच वोल्ट यहाँ पे जब भी यहाँ पे आदमी आ जाएगा तो ये जो बीच में का टर्मिनल है इसमें से पांच वोल्ट मिल जाएंगे, वो पांच वोल्ट में मेरे रिले कॉइल को लेके जाऊंगा, पांच वोल्ट के भी रिले कॉइल मार्केट्स में उपलब्ध है। ओके अभी समझो 12 वोल्ट के रिले कॉइल्स उपलब्ध है मेरे पास में, तो मैं 12 वोल्ट भी दे सकता हूँ। सपोज नाउ अभी मैं इसमें करवाता हूँ, ये मेरा जो वायर्स है ये पॉजिटिव वायर्स है, ये पॉजिटिव वायर्स में ये सेंसर्स को जोड़ दूंगा। ओके ऑलरेडी इसको प्लस और माइनस यहाँ पे दिए होंगे, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसको, और ये नेगेटिव में पावर सप्लाई के नेगेटिव को जोड़ दूंगा। अभी ये तो पोटेंशियल पी टर्मिनल है, ये पोटेंशियल पी टर्मिनल को ये जो कॉमन है दोस्तों, ये कॉमन को आपको देना होता है आपका वोल्टेज जो भी आपको देना है सप्लाई। ओके अभी मैं इसको देना चाहता हूँ 230 वोल्ट एसी, इसको मैंने 230 वोल्ट एसी का फेज दे दिया, लाइव दे दिया, और इधर जो है ये एनओ में मैं मेरा लैंप जोड़ दूंगा, ये जो है मेरे तरफ लैंप, ये एनओ में मेरा लैंप कनेक्ट करवा देता हूँ। और ये जो है ये न्यूट्रल को दे देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, इसको अगर फेज देते हैं तो फेज अभी एनसी में आता रहेगा, जब भी रिले को सप्लाई मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका लैंप लग जाएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको और अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा, लेकिन आप आशा कर दो आपको इतना समझा होगा और आगे के लेक्चर्स में आपको जरूर ये सारा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए हमारे लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे। और मेरी पूरी श्रृंखला जो है, ये मेरे वीडियो की पूरी जो श्रृंखला है, ये टोटली पीएलसी ऑटोमेशन के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों। अभी तो मैं आपको वन बाय वन लेक्चर से ऐसे लेके आया हूँ। रिले, जी हाँ, रिले बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बेसिक्स ऑटोमेशन समझ में आया तो ही आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन समझ सकते हो, क्योंकि रिले और ट्रांजिस्टर ऑटोमेशन के ऐसे डिवाइसेस है, अगर ये मार्केट्स में नहीं होते तो ऑटोमेशन से नहीं हो पाता। ओके दोस्तों, सो करते रहो, मेरे चैनल्स को देखते रहो। मैं नीलेश वाघ आपके साथ में ऐसे जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।